गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हम्पी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप सुमी ब्लॉग्स। और गाइस, ये ब्लॉग हम लोग का लास्ट ब्लॉग है हम्पी सीरीज के। गाइस, अभी आपके टाइम हो रहे हैं 8:30 और आज हम लोग का लास्ट दिन है। आज हम लोग बैंगलोर के लिए वापसी के लिए निकल जाएंगे बैंगलोर। तो अभी हम लोग यहाँ जो तुंगभद्रा नदी है उसका एक डैम है, तुंगभद्रा डैम। तो अभी हम लोग पहले वो डैम जाएंगे, डैम घूम लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट तो नहीं किए हैं, बाहर जाके कर लेंगे उसके बाद ही जाएंगे। तो अभी चलते हैं अभी होटल, कुछ देखते हैं क्या है, ब्रेकफास्ट में कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग तुंगभद्रा डैम जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अभी बाइक पे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज फ्रॉम हम्पी फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि अभी हम लोग निकलने वाले हैं हम्पी से। टाइम हो ही चुका है 9:30 अभी, और अभी हम लोग वापस निकल जाएंगे बेंगलोर के लिए। बट उससे पहले गाइज वी विल गो टू द फेमस तुंगभद्रा डैम, जिसको कि पंपा सागर रिजर्वायर भी कहा जाता है, क्योंकि वो मल्टीपर्पज़ डैम है, रिजर्वायर का भी काम करता है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है यहाँ पे। तो भाई, जाने से पहले, बेंगलोर वापस रिटर्न होने से पहले आपको तुंगभद्रा डैम भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे भाई कि कैसा है, कितना मजेस्टिक है। और भाई, आखिरी बार देख लो हम्पी का जो गाँव वगैरह का नज़ारा। और भाई, अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं तुंगभद्रा डैम की तरफ। बट उससे पहले यार, जो हमारी बाइक है होंडा हाइनेस, इसको हमने 3 दिन से भोजन नहीं करवाया है। तो पहले देखते हैं, अगर अपना मिल गया रेस्टोरेंट वगैरह सामने खुला हुआ तो अपना ही भोजन करा लेंगे, और अगर अपना नहीं भी किया तो बाइक का तो भाई पेट पूजा कराना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हमने बेंगलोर में टैंक फुल करा के जर्नी शुरू की थी हमारी हम्पी की, तो तभी से अभी तक बस उसी से चल रहा है। और अभी देखो 2 बार्स आ गए हैं, अभी भी 2 बार्स हैं, मतलब सोच रहे हो अभी भी अच्छा खासा तेरे से बाकी है, 157 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। तो अभी देखेंगे कि कितना चल चुका है हम लोग का बाइक अभी तक, और अभी दोबारा से टैंक फुल करा लेंगे। तो उससे एक और फ़ायदा है, जो आपको बाइक पर माइलेज दिखता है वो तो है ही, साथ में मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको जो कैलकुलेटेड माइलेज है, जो हम लोग कैलकुलेटर से मैनुअली निकालते हैं, तो ऐसा भी करके निकाल दूंगा। क्योंकि अभी दोबारा, पहले टैंक फुल था, अभी दोबारा टैंक फुल कर लूँगा तो आ जाएगा, पता चल जाएगा कितना लीटर्स ऑफ टैंक, कितना लीटर ऑफ पेट्रोल हमने भरा है इसमें अभी। तो उससे यार मैथमेटिक्स करके निकाल लेंगे, तो वो हम मैं ऐड कर दूंगा वो सेक्शन इस वीडियो के लास्ट में, बेंगलोर पहुँचने के बाद मैं कैलकुलेशन करके डाल दूँगा आराम से। तो वो आप देख लेना अगर आपको होंडा हाइनेस की माइलेज पता करनी है, क्योंकि हमारे बाइक को भी 1 साल पूरा हो चुका है, तो एक जेन्युइन माइलेज आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर में मैं माइलेज निकाल रहा हूँ, इसमें आपको हाईवे, ट्रैफिक, नॉर्मल रोड्स, हर तरह का क्लाइम, ऑफ रोड, सब तरह का आपको इसमें सिचुएशन से डील करते हुए जो माइलेज आया है वो आपको मिल जाएगा। तो पहले यार पेट्रोल पम्प चलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, देखते हैं कितना पेट्रोल आता है इसमें अभी टैंक फुल करा के, उसके बाद तुंगभद्रा डैम के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर है आपका हम्पी से। सो भाई लोग, देख सकते हो पेट्रोल पंप आ चुके हैं, अभी फुल टैंक करवा लेंगे। और अभी तक हम लोग का ट्रिप में 405 किलोमीटर चला है, तो ये याद रखना गाइस, क्योंकि इसी से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे जो फाइनल हम लोग का कितना माइलेज आया। फुल टैंक करना भैया, फुल टैंक। और यहाँ आप देख सकते हो 11.64 लीटर्स आया हम लोग का। सो गाइस, अभी आपने भी देखा, हमने अभी टैंक फुल करवा लिया है, 11.64 लीटर्स का तेल आया शायद इसमें, अगर मैं ठीक से रिमेंबर कर रहा हूँ तो। और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूँगा कि कितना एक्चुअल माइलेज आया कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे, आप शायद आपको नहीं भी दिख रहा होगा, बट यहाँ पे 38 का माइलेज शो कर रहा है, और 405 किलोमीटर्स चली है बाइक बेंगलोर से अभी तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यार जो बाइक का माइलेज मीटर है, जो माइलेज शो करता है, तो उसके हिसाब से तो भाई 38 का माइलेज मिल रहा है हम लोग को। और हाईवे तो मैंने आपको दिखाया था अपने फर्स्ट व्लॉग पर, तो उसमें हम लोग को अराउंड 42 का माइलेज दे रहा था, उससे भी ज़्यादा आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड चलाया था बाइक को, 100 से ऊपर ही चला था हमेशा बाइक। तो यार अभी 8 किलोमीटर्स है अराउंड, 8 to 9 किलोमीटर्स,
जो हमारा तुंग भद्रा डैम का पहला व्यू पॉइंट है, वो गार्डन के साथ है शायद, जितना यहाँ पे गूगल मैप्स पे दिखा रहा है। अब आगे तो जाके देखेंगे। तो तुंग भद्रा डैम यार बहुत ही स्पेशल डैम है एक वजह से, और वो मैं आपको बताता हूँ कि ये नॉन सीमेंटेड डैम है। इस डैम पूरे डैम में सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। तो यार इसमें यूज़ किया गया है जो सुरकी मोर्टार होता है और लाइम स्टोन का, तो ये दोनों का यूज़ करके ये डैम बनाया गया है। तो आप समझ सकते हो लाइम स्टोन का यूज़ करके, अभी शायद इंडिया में एक या दो डैम, एक और शायद केरला में है डैम मुल्ला पेरियार डैम, तो शायद वही एक डैम है जो कि अभी भी नॉन सीमेंट यूज़ करके बनाया गया है। तो यार बहुत ही बेहतरीन एक नमूना है हमारे आर्किटेक्चर का, तो इसीलिए भी ये डैम बहुत ही स्पेशल हो जाता है। तो ठीक है भाई, इंजॉय करते रहो रास्तों का, और साथ में जब डैम आएगा तो डैम भी आपको दिखाते चलेंगे। ठीक है, तो भाई लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं, और 300 मीटर्स है, और आगे आप देख सकते हो तुंग भद्रा डैम का आपको गेट मिल जाएगा। तो उधर से अभी एंट्री है कि इधर से पार्किंग जाना पड़ेगा क्या? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, शायद किधर से है पार्किंग वगैरह, इधर से जाना पड़ेगा क्या? देखते हैं हम लोग किधर से जाना है। यहाँ पे देखो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से एंट्री है कि नहीं, गाड़ी अलाउड है, पार्किंग लगाना है। तो भाई साहब पार्किंग में गाड़ी लगाना है, तो भैया अंदर पार्किंग लगवा रहे हैं हम लोग से, और ये लो भैया पार्किंग पे लगा दिया है अपना गाड़ी। और इधर पूरा आप देख सकते हो, इधर आपको जाना है तुंग भद्रा डैम के लिए। ठीक है, तो ये पार्किंग लगा के फिर आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ठीक, सो भाई लोग इधर से एंटर करने के बाद आपको दो साइड में आपको जाना पड़ेगा, दो साइड दो रास्ते हैं। एक साइड तो आप देख सकते हो इधर एक्वेरियम वगैरह है, कुछ वाटर पार्क टाइप का ही बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है इस साइड बच्चा लोग के लिए, वे टू एक्वेरियम देख सकते हो आप। और जो लेफ्ट साइड पे रास्ता है वो जाता है तुंग भद्रा डैम की तरफ। और भाई थोड़ा लोचा हो गया अभी, क्या हुआ ना इधर कैमरा अलाउड है नहीं यहाँ पे। ठीक है, मतलब आप कोई भी तरह का कैमरा नहीं ले आ सकते, गोप्रो भी नॉट अलाउड है। तो किसी तरह रिक्वेस्ट करके हमने गोप्रो को यहाँ अंदर लाने के लिए तो मना लिया उनको, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे इधर, तो मोबाइल से जो भी रिकॉर्डिंग होगा। और एंट्री फी फ्रीज आपका 10 रुपीज़ पर पर्सन है, और पार्किंग का 20 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। बट यहाँ से बोल रहे हैं कि डैम, और हमने गूगल मैप्स में भी देखा ये डैम यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर दूर है। तो भाई ये एक लोचा है, तो अभी मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते जाते हैं। थोड़ा दिक्कत है भाई, यहाँ पे 1 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा, और बाइक भी अलाउड नहीं है। तो देखते हैं, अब चलते हैं धीरे धीरे आराम से। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो डैम का जो व्यू पॉइंट है, उससे 650 मीटर्स पहले देखो यहाँ से पूरा पानी आ रहा है, डैम से जो रिलीज़ हो रहा है शायद, या फिर ये वाला डैम की तरफ जा रहा है, दोनों में से कोई एक होगा। आगे डैम है तो मैं आई थिंक कि यहाँ से पानी जा ही रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है, मस्त एकदम हवा आ रही है ठंडी ठंडी। और अभी भी हम लोग को देखो रास्ते में 650 मीटर जाना है, और वो हेलमेट भी नहीं उतारी है। एक्चुअली होता क्या है कि हर बार हम लोग सोचते हैं कि बाइक लेके जाएंगे, और बाइक हमेशा बाहरी पार्किंग में यहाँ पे रखना पड़ जा रहा है। तो ठीक है गाइस, इधर अभी चलते रहते हैं। और यहाँ पे शायद होम स्टेज वगैरह भी हैं, पता नहीं कैसे बुक किया जाता है इसको। देख सकते हो पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं, तो ये पूरा एरिया ही है। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह का भी फैसिलिटी है, आते टाइम आपको दिखा देंगे। तो वहाँ भी आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, एक्वेरियम भी है बच्चों के लिए, गार्डन वगैरह भी, मतलब बहुत मतलब पूरा डेवलप किया गया है इसको। आराम से आप सुबह आके शाम को यहाँ पे वापस जा सकते हो ऐसा है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे, इधर से वो देखो आपको वहाँ पे डैम दिख रहा होगा जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, और नीचे गार्डन है। तो अभी हमने जो पूछा है एक यहाँ पे पर्सन से, उनसे पूछा तो बता रहे थे कि इधर से जो ब्रिज से आप नीचे होते हुए गार्डन तक जा सकते हो, और इधर आपको जो देख रहे हो वो जो ऊपर जाना अलाउड नहीं है, जो डैम के ऊपर आप देख रहे हो ना, वो वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। बट इस साइड एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप जो रिजर्वायर है उसका व्यू ले सकते हो, डिस्चार्ज जो वहाँ से हो रहा है वाटर फ्लो फ्लड गेट से, वो तो वहाँ पे है, तो उसका व्यू आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को इधर से जाना पड़ेगा, देखते हैं अगर इधर से हो गया तो, नहीं तो वो बोल रहे हैं एक और व्यू पॉइंट है अलग से, वो देखते हैं हो पाएगा कि नहीं आज। तो पहले इधर चलते हैं गार्डन के साइड में, गार्डन साइड होते हुए देखेंगे हम लोग अगर हो गया तो। ठीक है,
भाई देख लो यहाँ पे इधर से इधर वो जो फ्लड गेट से इस साइड है, बट उधर जाना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड एरिया है। तो आप यहाँ से नहीं देख सकते हो जो फ्लड गेट से, उसका व्यू आपको बहुत दूर से देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ गार्डन्स वगैरह है, अच्छे से प्यारे से बने हुए हैं गार्डन वगैरह, अच्छा से डेवलप किया गया है। तो यही दिखाते हैं आपको, चलिए। यहीं पे आपको आनंद वन मिल जाएगा, बगल में आप देख सकते हो। तो इसके अंदर आप जाके रेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी हैं, तो अगर शाम के वक्त आप आते हो तो आप फाउंटेन वगैरह का आनंद ले सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट व्यू पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो फ्लड गेट से, हाँ, लेकिन डैम का जो आपका रिजर्वायर का है, रिजर्वायर का आपको व्यू पॉइंट ऊपर से मिल जाएगा, हम दिखाएंगे आपको, अभी उधर भी जाएंगे। और ये देखो फाउंटेन है, म्यूजिकल फाउंटेन, और इधर दिखा देते हैं आपको जैसा भी है। तो इधर से भी यार पानी का अच्छा व्यू आ रहा है, फ्लो अच्छा है, देख सकते हो आप। भाई लोग देख सकते हो एंट्रेंस पॉइंट से 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ मिलेगा जो व्यू पॉइंट है, पीछे आपको जो रिजर्वायर है वो देखने को मिलेगा, आगे देखो वहाँ पे बना हुआ है। और ये देखो यहाँ से आप, तुम बता, डैम का भी कोई पता नहीं, मॉन्यूमेंट है बना हुआ है बिल्डिंग। और ये देखो तुम मदरा गार्डन्स, म्यूजिकल, डाइनिंग, फाउंटेन, डियर पार्क, एक्वेरियम सब इस साइड है, बस वो हमने आपको दिखाया ही। और एक्वेरियम तो नहीं दिखाया, उधर बोटिंग भी होती है उसी साइड, अगर आप चाहो तो साइड बोटिंग भी कर सकते हो। तो इधर हम लोग जाके अभी व्यू लेंगे जो रिजर्वायर है उसका। और गाइस ये जो आपको दिखाया मैंने, ये मल्टीमीडिया थिएटर है एक्चुअली तुंगभद्रा डैम से रिलेटेड, ठीक है। और अभी हम लोग तिरुमला पार्क के अंदर एंटर करेंगे। पार्क में आप आराम से बैठ सकते हो, थोड़ा देर एंजॉय कर सकते हो। और जो तुंगभद्रा नदी है उसका जो रिजर्वायर का पानी यहाँ पे है, उसका पूरा का पूरा आनंद उठा सकते हो, बैठ बैठ के रिलैक्स करके देख सकते हो आराम से। देखो मेरी वाइफ वहाँ पे थक गई है 1 किलोमीटर चलने के बाद और वहाँ बैठी हुई है। यहाँ पीछे थोड़ा सा कैंटीन वगैरह भी कुछ कुछ है, तो वहाँ पर कुछ खाने वाने का सामान भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी धूप आने लगी है, ज़्यादा देर यहाँ बैठ नहीं पाओगे, बट अगर शाम को यहाँ पे आ रहे हो तो आराम से आप रिलैक्स कर सकते हो और देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो जो व्यू है। वैसे आप देख ही रहे हो बहुत बड़ा है डैम, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो ग्रिल किया हुआ है और बहुत बड़ा है डैम। तो आप यहाँ पे वेट करके एंजॉय कर सकते हो, अपना मज़ा ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर वापस चलेंगे जहाँ पे हमने बाइक पार्क की। तो भाई ये देखो इडली मंगा लिया है, क्योंकि अभी डोसा बनाने में टाइम लगता, तो हमने सोचा कि इडली खा लेते हैं, हेल्दी है ज़्यादा। तो अभी 2 प्लेट इडली मंगा लिया है, कोल्ड ड्रिंक है यहाँ पे, मतलब फ्रूटी वगैरह। और बस इतना ही घूमेंगे अभी, क्योंकि और एक व्यू पॉइंट है जो मैं, जिसका मैं जो रूट है वो मैं डाल दूंगा अभी स्क्रीनशॉट में, मैप में, वीडियो के ऊपर आपका जो मैप का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहाँ पे आप जा सकते हो उस व्यू पॉइंट में भी। तो वहाँ से क्या होगा, आपको तुंगभद्रा जो डैम है, फ्लड गेट्स, उसका फ्रंट से व्यू मिलेगा। वो एक मतलब फ्लाईओवर टाइप का है, ब्रिज है छोटा सा, तो उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से व्यू लेना पड़ेगा। तो उसका जो मैं गूगल मैप्स के अनुसार जो मैप है, जो लोकेशन है, वो मैं डाल दूंगा ऊपर, आप चाहो तो जा सकते हो। हम लोग का ऑलरेडी लेट हो चुका है, 1 घंटा अभी लेट चल रहे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता था कि यहाँ पे 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बस नाश्ता करते हैं और उसके बाद एक क्लिप और डाल दूंगा इसके बाद, जिसमें कि जो माइलेज है हम लोग का होंडा एनएस का, तो जो भी होंडा एनएस ऑनर्स हैं या जो लेना चाहते हैं तो माइलेज का वो कैलकुलेशन देख सकते हैं, कितना माइलेज आया हम लोग का ट्रिप में, मतलब हम बेंगलोर टू हम्पी, और टोटल हम्पी में जितना घूमने के बाद 405 किलोमीटर्स में कितना माइलेज दिया हमारी बाइक ने, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो बस यार ठीक है,
अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे बैंगलोर के लिए। अभी बैंगलोर का ट्रैफिक का भी सामना करना है तो थोड़ा एनर्जी बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट आपको इसके बाद वो मैरिज वाली क्लिप आएगी और उसके बाद ब्लॉग एंड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो भाई लोग अभी अपने क्वार्टर्स पहुँच चुके हैं हम लोग अपने घर बैंगलोर में, और दिखा देते हैं आपको कितना ट्रिप हुआ। तो टोटल ट्रिप हुआ 738.7 किलोमीटर्स और जो माइलेज आया है वो अराउंड 37 का आया है हम लोग का, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आगे आपको कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं माइलेज कितना आया है, बट वो 405 किलोमीटर्स में जब जहाँ हमने टैंक फिल किया था वहाँ तक का रहेगा, ठीक है। सो भाई लोग, हम लोग की बाइक जो थी वो 405 किलोमीटर्स तक चल चुकी थी जहाँ हमने पेट्रोल रिफिल किया था, तो अभी वो 405 किलोमीटर्स लेते हैं हम लोग, 405 किलोमीटर्स, ठीक है। और जब हमने टैंक रिफिल किया तो 11.64 लीटर्स का पेट्रोल उसमें आया, तो अभी इसमें डिवाइड करते हैं 11.64 लीटर्स से, ठीक है। तो इक्वल टू ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे 34.79 या मतलब अराउंड बोल सकते हो 35 kmph का आपका kmpl का आपका माइलेज आया, ठीक है, 35 किलोमीटर्स पर लीटर। तो बस यार यही दिखाना था आपको, जो एक्चुअल माइलेज आ रहा है वो थोड़ा सा कम आ रहा है जो मीटर में शो कर रहा है उससे, क्योंकि उस टाइम हाईवे का ये अभी इंक्लूड नहीं है उसमें, जब हमने रिटर्न जर्नी में हाईवे में ट्रेवल किया तो उसमें थोड़ा माइलेज इंक्रीज़ हो जाती है, तो शायद उसके लिए भी हो सकता है। तो ठीक है गाइज, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।